Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Jyoti Kushwa and I make patient DIY and sleeve related content on my YouTube channel. And this channel is all about trying and explore new things. So make sure कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड आज की इस वीडियो के लिए मुझे थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट आई हुई है. रिसेंटली मैंने आलिया भट्ट का मेट गाला वाला आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया था, जिसमें मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स फैब्रिक सोर्सिंग, मटेरियल सोर्सिंग एंड इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, मैंने फैब्रिक कहाँ से खरीदा हुआ है और इसमें इसे बनाने में कितना टाइम और ये आउटफिट मुझे कितने में पड़ा हुआ है. सो सभी कमेंट्स के अलग अलग आंसर देने से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना दिया जाए, ताकि सभी को हेल्प हो सके. सो ये आउटफिट बनाने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसका एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी बनाना चाहिए. सो इसीलिए मैं ये आउटफिट का वीडियो बना रही हूँ. रिसेंटली आलिया भट्ट का सभी लोग मेकअप लुक रिक्रिएट कर रहे थे, मुझे मेकअप लुक रिक्रिएट नहीं करना था, इसीलिए मैंने आउटफिट रिक्रिएट किया हुआ है. बट मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए था जो मैं बाद में भी पहन पाऊँ, इसीलिए आलिया भट्ट ने जो आउटफिट पहना हुआ है उसके सारे फ्लेयर में बीट्स लगे हुए हैं, बट मुझे पूरे फ्लेयर में बीट्स नहीं चाहिए थे, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता और मैं इससे कहीं पर नहीं पहन पाती. मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ अपर बॉडी पार्ट पे ही बीड्स लगाया जाए, नीचे वाले पार्ट में मैंने बीड्स नहीं लगाए हुए है. और इसे बनाने में मुझे 6 डेज लगे थे. मटेरियल, फैब्रिक एंड स्टिचिंग का काम मैंने एक दिन में ही कर दिया था. बाकी इसका जो टफेस्ट पार्ट था, बीड्स को अटैच करना, उसे करने में मुझे 5 डेज लगे थे. एंड 5 डेज के अंदर मैंने शूट भी कर लिया था और उसी दिन मैंने एडिट करके अपलोड भी कर दिया था. और टाफेटा है वाइट में ही. ये तो अस्तर के लिए 3 मीटर वाइट कॉटन भी निकाल देना और टाफेटा भी. हाँ यही कॉटन ही है, शाइन में नहीं लग रहा है, कॉटन यही निकालना. 3-3 गोल चाहिए, उसकी डिजाइन में चाहिए. हाँ गोल में ही चाहिए ना. हाँ ये इससे छोटा वाला भी हो तो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा. ये जो साइज पड़ा हुआ है ना, ये देख, ये दो नीचे पड़े हुए हैं दो. हाँ ये साइज चाहिए थे. और नहीं है ये ऑफ वाइट में ना, या तो ऑफ वाइट में सभी ये, पर वो है ना डिजाइन वाला है. ये साइज के 2 बीड्स मिलेंगे, इससे एक छोटा भी चाहिए. और इससे भी एक छोटा, ये वाले से भी एक छोटा. देखना सब. फैब्रिक मैंने एक लोकल क्राफ्ट स्टोर से लिया था. 15 मीटर मैंने नेट लिया था एंड 2 लाइनिंग्स ली थी. एक मैंने शाइनिंग वाली सेंटून लाइनिंग ली थी एंड एक कॉटन लाइनिंग ली थी, क्योंकि इसकी जो स्टिचिंग थी वो कॉर्सेट टाइप की थी और मुझे कुछ ऐसा फैब्रिक चाहिए था जो ब्रीदेबल हो, इसीलिए मैंने अंदर कॉटन लाइनिंग ली है. मैंने 100 ग्राम्स ईच लिए थे एंड मैंने 4 साइजेस लिए हुए थे, जो मुझे 15 रुपए पर तोला पड़ा था. इसका टोटल मैं पूरा आपको साइड में दे दूंगी. स्टिचिंग में मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आई थी, मुझे सिर्फ बॉडीज एंड फ्लेयर को अटैच करने में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई थी, अदरवाइज मैंने इसे 2.5 आवर में बना दिया था. मेन पार्ट इसमें बीड्स अटैच करने का, जिसे मुझे अटैच करने में 5 डेज लगे थे. तो मैंने बॉडीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे मुझे करने में थोड़ी सी आसानी हो गई थी. एंड हियर इज फाइनल रिजल्ट.
अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो कीप सेफ एंड बी क्रिएटिव। बाय बाय।